हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। देखिए, ये आपका मीडियम टू है और यह है आपका मीडियम वन। अब जो आपकी लाइट है ना, वो मीडियम टू से मीडियम वन की तरफ जा रही है, ठीक है। आप ये जानते हैं, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो बेंट करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हमने बार बार किया, थोड़ा सा एंगल यहाँ से और बढ़ाया, ये और अवे हो गया। तो एक केस ऐसा आया जब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, ठीक है। उस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, हमने क्रिटिकल एंगल का नाम दे दिया, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ। अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल करता हूँ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 से ज़्यादा। और जो लाइट डेंसर मीडियम से गई थी वो वापस उसी डेंसर मीडियम में आ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि जब एक मीडियम से, एक ही मीडियम में लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसलिए इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब एक ही मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का। तो यहाँ हुआ क्या था, दोबारा बता रहा हूँ मैं, हमने लाइट को बेंट कराना चालू किया तो वो बाहर जाते जाते इतने बड़े एंगल पर आ गई कि वो सरफेस पे ही चलने लग गई, उसका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। अगर मैंने इस एंगल को भी पार किया तो ये सरफेस के अंदर आ जाएगी और लाइट कभी बाहर ही नहीं जाएगी। तो जो यहाँ से लाइट गई वो वापस आ गई। जैसे मान लो हमने एक केस लिया, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। इसके नीचे हम लाइटनिंग के लिए एक सोर्स लगाते हैं इसकी सरफेस पे, ठीक है। तो एक तो सीधी लाइट जाएगी और एक ये। तो एक केस ऐसा आएगा जब लाइट इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी। तो ये स्विमिंग पूल के नीचे लगा लाइट का सोर्स सिर्फ इतने रीज़न को ही लाइटन कर पाएगा, सारी जगह को लाइटन नहीं करेगा, ठीक। सिर्फ इतने से हिस्से को ये रोशनी दे पाएगा। तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर भी एक बल्ब लगाना चाहिए जो इतने हिस्से को दे, और यहाँ पे भी एक बल्ब लगाना चाहिए। तो इससे हमें पता चला एक स्विमिंग पूल के नीचे कितने लाइटनिंग सोर्स होने चाहिए जो पूरा स्विमिंग पूल दिखाई देने लग जाए, ठीक है, विजिबल हो जाए। तो ये किससे पता चला हमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब हमने कहा कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। पहला, लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, लाइट को ट्रैवल करना है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। दूसरी कंडीशन है क्रिटिकल एंगल ज़रूर बड़ा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल ज़रूर बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। जो भी आपका क्रिटिकल एंगल है वो उस आपका इंसिडेंट एंगल उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1, साइन आई बाय साइन आर होता है। यहाँ मैंने लिया है साइन आर बाय साइन आई, क्यों, क्योंकि लाइट जो एंटर कर रही है वो सेकंड यानी कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, और मैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ वो किसका है, डेंसर मीडियम का। इसलिए ये रिलेशन उल्टा हो गया। देखो, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है 1:2, ठीक है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है 2:1, ठीक। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये वाला ले रहा हूँ लेकिन कंडीशन ये वाली ले रहा हूँ, इसलिए साइन आई बाय साइन आर उल्टा हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ये बाहर वाला मीडियम, लेकिन लाइट
डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल ऊपर आएगा, इंसिडेंट एंगल नीचे आएगा, जो आपका स्नेल्स लॉ है वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक, वैल्यू रखी। अभी मैंने बताया था अगर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो तो इंसिडेंट एंगल जो होगा आपका वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। ये वाली बात लगाई तो एन टू वन आया आपका साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन आईसी। ठीक है, साइन आईसी को मारो गोली, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये वैल्यू रख दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-1 क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय साइन आईसी। अब अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आपको म्यू पता होना चाहिए, और अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो आप किसी भी चीज़ का म्यू पता लगा सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जितना बड़ा होगा उसका मतलब यह है उस चीज़ का म्यू छोटा है, और अगर किसी का म्यू बड़ा है तो इसका मतलब यह है उसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होगा, आईसी छोटा होगा, जैसे डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 2.42 होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो काफ़ी कम होता है, और अगर मैं किसी डायमंड को उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे कट करूं तो लाइट इसके अंदर एंटर तो करेगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि मैंने डायमंड की कटिंग कैसे करी है, और उसके हिसाब से लाइट इसी के अंदर रहेगी, और अगर लाइट इसके अंदर रहेगी ट्रैप तो ये डायमंड क्या करेगा, ग्लो करेगा, इसे कहते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज़ आती है, इसका एग्जांपल है वो है मिराज। मान लो ये एक आदमी है, इसकी नॉर्मल हाइट आप 1.2 मीटर मान लो। ठीक है, ये यहाँ से देखता है, यहाँ तक तो लाइट सीधी जाती है, फिर यहाँ से बेंड करके ऊपर चली जाती है। क्यों? ऊपर कोल्ड एयर है और ये आपकी अर्थ की सरफेस है। मान लो सरफेस गर्म है, यानी कि ये दिन का टाइम है और सरफेस आपकी गर्म हो रही है धूप से। ठीक, तो ये जो गर्म सरफेस है, ये गर्म सरफेस अपने ऊपर की एयर को भी गर्म कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर ब्लो करेगी वो हॉट एयर होगी। जो हॉट एयर है उसको आप कह सकते हो रेयरर मीडियम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जो कोल्ड एयर है उसको आप कह सकते हो डेंसर मीडियम, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं, ये है डेंसर मीडियम। ठीक, और ये है आपकी हॉट एयर, दूर दूर मॉलिक्यूल। तो पहली कंडीशन तो लग गई हमारी कि लाइट रेयरर से डेंसर से रेयरर में जा रही है। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब जब इसने देखना चालू किया और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसकी लाइट इधर चली गई, उसके या आप यूँ कहो जो ये होता है असलियत में, तो हाँ मैंने गलत बना दिया था, जो पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही थी वो उसकी आँख पे पड़ी। ठीक है, अब ये जब इसकी आँख पे इमेज बनेगी तो इसका दिमाग पड़ेगा इसको, वो तो यही जानता है कि हम सीधा देखते हैं, और वो सोचेगा यहाँ पर है ये पेड़, समझे, उसको वो पेड़ ज़मीन पे बना दिखाई देगा। अब दिमाग ये भी जानता है भाई ज़मीन पे पेड़ थोड़ी होते हैं, तो वो सोचेगा यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, यानी कि यहाँ पे पानी है, और जबकि यहाँ कोई पानी नहीं है, तो वो सोचने लगेगा कि यहाँ पर पानी है जिस पे इस पेड़ की इमेज बन रही है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस धोखे को कहते हैं, इल्यूज़न को कहते हैं मिराज। ऐसा आपने तब भी देखा होगा, मान लो आप किसी बस में बैठे हो और आप दिन में धूप में किसी दूसरी कार की रूफ को देखते हो,
तो आपको लगेगा पीछे की सारी चीज़ें बह रही हैं या हिल रही हैं, है ना? ऐसा क्यों? इसका मतलब ये जो मेटलिक रूफ थी इसकी, इसकी जो छत थी कार की, वो गर्म हो गई वही सनलाइट से, उसके आसपास की एयर गर्म हो गई और उसकी वजह से, और बाहर की एयर कैसी है? नॉर्मल यानी कि ठंडी, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पीछे की सारी चीज़ें हिल रही हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का चेंज आया है, हॉट एयर का और कोल्ड एयर का। कोल्ड एयर मतलब डेंसर, याद रखना, और हॉट एयर मतलब रेयरर। उस डेंसर और रेयरर मीडियम की वजह से आपको वो चीज़ जो उसके पीछे की है वो थोड़ी ब्लर या ऐसा लगता है जैसे पानी हो इस कार के सरफेस पे। ऐसा ही आपको तब लगेगा, मान लो कहीं आप गए किसी हलवाई के यहाँ पर, कोई बर्नर जल रहा है, उस बर्नर के ऊपर कोई सामान रखा है और आप उसके इधर उसके साइड से देखते हो कि भाई बर्नर के जहाँ फ्लेम है और जहाँ जहाँ ये मेटलिक सरफेस है उसके पीछे का हिस्सा देखने की कोशिश करते हो, तो वो भी ब्लर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके आसपास की सारी एयर हॉट हो जाती है। तो ये हो गया आपका मिराज। तीसरी चीज़ रेनबो। भाई ये थोड़ी फिगर मेरी साफ़ नहीं है, ये हम एनसीईआरटी में देख लेंगे कि रेनबो कैसे काम करता है। बस इतना सा समझा सकता हूँ मैं आपको, मान लो यहाँ से सनलाइट आई, ठीक है, यहाँ हुआ पहला रिफ्रैक्शन, फिर हुआ एक टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और फिर दूसरा रिफ्रैक्शन और हमारी आँख पे इसकी इमेज बनी और हमें क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे कई सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ, जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ था तो लाइट डेविएट करने के साथ साथ डिस्पर्स कर गई थी और फिर जब दूसरा डिफ्रैक्शन हुआ तो और डिस्पर्स कर गई और यहाँ पर एंगल का फर्क आ गया, ठीक है? बोलो। अब ऐसा ही केस अगर मैं इसमें देखूँ तो मान लो केस ऐसा होता कि एक बार होता यहाँ रिफ्लेक्शन, एक बार होता यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक बार फिर से होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर लाइट जाती दोबारा रिफ्लेक्शन पे। तो जितनी बार TIR ज़्यादा होगा इसका जो एंगल होगा ना वो बड़ा हो जाएगा और जो आपको रेनबो होगा उसके कलर ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे मान लो प्राइमरी रेनबो में आपको चार कलर दिखाई दे रहे थे अलग अलग साफ साफ, तो यहाँ पाँच छः या सात तक भी साफ साफ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार TIR हुआ है? दो बार TIR और दो बार वो तो रिफ्लेक्शन तो हो गई, ऊपर एक बार TIR, दो बार रिफ्रैक्शन, ठीक है? इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी। इसे कहते हैं सेकेंडरी, ठीक? अब इसके बाद बारी आती है ऑप्टिकल फाइबर की। ये ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है? हमने दो मटेरियल लिए, एक बाहर का एक अंदर का, अंदर का मटेरियल जो है उसे हम कहते हैं कोर, और बाहर के को कहते हैं क्लैडिंग। बाहर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, जो अंदर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। डी का मतलब डेंसर, एल का मतलब, ये एल क्यों लिखा है, अच्छा लो लिखना होगा, आर का मतलब रेरर, ठीक है? यहां से आपने एक लाइट भेजी और ये ध्यान रखा कि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है, देखो ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है ये बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो ये लाइट यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई और फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट हुई,
और लाइट अंदर ही चले जा रही है। तो इसका मतलब जो कोर पार्ट है उसके अंदर लाइट ट्रैप हो गई, अब यहीं चलती रहेगी और जहाँ तक मैं चाहूँगा वहाँ तक चलती रहेगी, और अगर इस पाइप को मैं मोड़ भी दूँ तो लाइट इसी के अंदर रहेगी। तो इससे हुआ क्या, तो लाइट को तो मैंने पकड़ लिया, ठीक। अब लाइट के ऊपर अगर मैं डेटा रख दूँ, ठीक है, ये डेटा क्या है, कुछ भी, कोई भी आपका टेक्स्ट, कोई पिक्चर, ठीक है, वो जो आप यूज़ करते हो पीडीएफ वगैरह, ठीक है, या साउंड और पिक्चर मिला के वीडियो, इसमें से कोई भी चीज़ आपने इस लाइट के ऊपर कैरी करा दी और वो चली, ठीक है, चलने दो, तो जहाँ पर भी ये रिसीव होगी इसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड है, ठीक है। मान लो इस मीडियम का इतना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लाइट की नॉर्मल स्पीड होती है 3 लाख, उसको डिवाइड कर दो 1.5 से, अब भी 2 लाख है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा इससे। इसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कॉम्बिनेशन है दो लेयर्स का, ठीक है, एक बीच में होती है उसे बोलते हैं कोर, एक उसके ऊपर सरफेस होती है उसे कहते हैं क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो वो अंदर ही चलती रहती है और ये हमारे मैसेज को लेके जाती है। कंडीशन सिर्फ एक है, आपको क्रिटिकल एंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ले ही लिया है और अंदर वही रेयर डेंसर वाला केस तो बना ही लिया है। दो कंडीशन होती है, एक तो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब इस पेज को देखो, वो सारे पॉइंट यहां पर समझा रखे हैं, एक बार इसको देख लो। TIR, उसकी कंडीशन, ये वाला केस जो मैं बता रहा था आपको, इस पे एक NCERT का न्यूमेरिकल भी है, एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा या छठा है, देख लेना आप। ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या बिलियंस ऑफ डायमंड जो मर्जी बोल लो, और मिराज और लूमिंग। देखो इस वाले केस को देखो, यहाँ है रेरर और यहाँ है डेंसर। यहाँ डेंसर होने का रीज़न क्या है, यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो अगर ये आदमी यहाँ से देखेगा, या यूं कहो कि इस क्रूज को देख रहा है ये, तो इससे जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है उसको ये सीधा देखेगा, ठीक है। यहाँ पर इस TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रीज़न था ये, कि ऊपर रेरर मीडियम है नीचे डेंसर है, ठीक है। लेकिन इसके सीधे देखने का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा दिमाग जो है वो ये समझता है कि लाइट सीधा चलती है रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से, और हमें ऐसा लगेगा कि आपका जो ये भी है, जो है क्रूज वगैरह, ये आसमान में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आँख का धोखा हो जाता है इससे। बस एक बार वीडियो पॉज करके इन सबको देख लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। देखो इसको, इसको, एक इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहां आपका TIR टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्फेरिकल सरफेसेस।